वेलकम बैक नाजरीन। आपने देखा कि शेख जैद हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने क्या बातें बताई, हमने उनसे क्या सवालात किए, और अब जो मजीद इनकशाफात हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें यह भी मालूम हुआ है कि शालीमार हॉस्पिटल से बीएससी करने वाली एक खातून नाजिया को डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जमील की मेहरबानियों और नवाज शाह से कॉलेज में लेक्चरार तैनात कर दिया गया। नर्सिंग कॉलेज में तैनात होने वाली ये खातून, जिन्होंने तकरीबन 78,000 रुपया मुआवजा वसूल किया है। इसी तरह एक और बात जो सामने आई है कि डॉक्टर आसफा ने 1986-87 में MBBS किया, पहले शालीमार हॉस्पिटल में 1996 में ज्वाइन किया, बाद हजार फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल से भी उनको फारग कर दिया गया या खुद ही वो छोड़ के चले गए। फिर वो शेख जैद हॉस्पिटल में सीनियर रजिस्ट्रार बन गई। बताया ये जाता है कि उनके पीछे कोई तगड़ी सिफारिश थी। इस तरह यह कि उन पर इल्जाम ये है कि SCR के बगैर, जो उनकी सालाना रिपोर्ट्स थी उसके बगैर ही उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। पता नहीं किन लोगों ने बनाया, ये तो वो ही जानते हैं। लेकिन इस हवाले से डॉक्टर नजमा चौधरी जो है वो अदालत में चली गई, लेकिन उसके बाद कुछ ना हो सका। इसी तरह एक जो बड़ी ही अहम बात है वो ये है कि डायलिसिस सेक्शन के तारक और मोहम्मद हनीफ, जो कि 25 साल से ग्रेड 1 में तैनात है, वो 25 साल से मुंतजर हैं कि टेक्नीशियन का कोर्स करने के बावजूद उनके बारे में किसी किस्म का कोई जो है महकमे ने नहीं लिया। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। प्रोफेसर साहब ये बताइएगा के डॉक्टर आसफा हैं आपके डिपार्टमेंट में, उन्होंने हाई कोर्ट में आपकी तरक्की को चैलेंज कर रखा है? रखा नहीं है, वो ऑलरेडी फैसला भी हो चुका है। ये इधर पहले चेयरमैन होते थे अनवार, उन्होंने ये करवाया था जबकि मैंने उनके खिलाफ फाइट की थी और वो मुझसे जूनियर थे, सिर्फ इसको डिले करने के लिए। उसके ऊपर जस्टिस हमीदुर रहमान साहब का फैसला आ गया था कि इसमें कोई रेगुलेटरी और इन लड़कियों, ये इम्प्लांटेड लड़कियां जिन्होंने ये सारी गड़बड़ की, उसकी आप मुझसे कॉपी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब के आपने जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली, उस वक्त वो यूनिवर्सिटी जो थी वो HEC से मंजूर नहीं थी। ये चीज प्रोफेसर जफर इकबाल ने जरूर आपको कही होगी, क्योंकि ये इन्होंने ऑलरेडी ये कोर्ट में भी इस तरह का जालसाजी की जाके, और मैंने यूनिवर्सिटी से पूछा तो उन्होंने कहा जी नहीं, आप हमें पैसे दें, अभी कल आप हमसे उनकी रिकग्निशन का ले लें, वो हमने रजिस्ट्रेशन बेशक बाद में करवाई है लेकिन हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो रिकग्नाइज हैं MBA के लिए, इसमें तो कोई इसमें ऐसा मसला कोई नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इस्लामिया हाई स्कूल क्वेटा से मैट्रिक किया और बताया इंतजामिया जो है शेख जैद हॉस्पिटल की, उन्होंने कहा कि आपकी मैट्रिक की सनद पे तारीख पैदाइश 1952 है और वो आपकी सनद रिकॉर्ड में भी मौजूद नहीं। अगर 1952 है तो फिर तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए। आप एक मेहरबानी करेंगे, इतने तीसरा आपने क्वेश्चन पूछ लिया जो कि सारे झूठ पे मबनी है, जिसने ये कहा लिखवा के मुझे दे दे जी जी, और एक हाई पार्क कमेटी बने जो इसको इन्वेस्टिगेट करे, अगर इसमें से एक बात भी गलत निकल गई तो मैं वैसे रिजाइन कर दूंगा, रिटायरमेंट की तो बात ही कोई नहीं, ये टोटल झूठ है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जुलाई 17 1953 मेरी पैदाइश है, आज तक हर रिकॉर्ड पे लिखी हुई है, ये एक बीमार जहनीत की मेहाल पैदाइश है जो आप बात कर रहे हैं, और मैं इसको बड़ा सीरियस लेता हूँ। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे इन राइटिंग जिसने ये कहा दें, ताकि मैं डैमेजेस और इस पे डिफेमेशन का मैं केस कर सकूं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और जो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अस्पताल में एक खातून थी जो कि शायद मुलाजिम थी वहां के, सिस्टर हदायत, उनकी सर्जरी आपने की थी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। डेथ तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक हिदायत की नहीं हुई होगी, कई पेशेंट्स की होती है, और नौयत पे डिपेंड करता है कि किसी की क्या बीमारी है, सारे मरीज ठीक होकर नहीं जाते, और उसमें हर हमारे हॉस्पिटल में बकायदा इवेंट का पूरा हिसाब किताब लिया जाता है, और कोई ऐसी बात होती तो उसके ऊपर मेरे पे बात आती, सब चीजें खुली पड़ी हैं, जिस मर्जी किताब खोल के देख लें। अच्छा एक और इंतजामिया की तरफ से आपके ऊपर एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि आपके डिपार्टमेंट में डॉक्टर नहीद जमानी, डॉक्टर यास्मीन शाह और आसफा अब्बास से आपकी चपकलश रही थ्रू आउट आपकी पूरी सर्विस जो अब तक गुजरी है, और वहां पर डॉक्टर रमजान को आपने थप्पड़ भी मारा और डॉक्टर सलीम ने खुदकुशी की धमकी दी।
यार मेरी बात सुनो, आप इस तरह की बातें आप कर रहे हैं जिसका ना कोई सर है ना कोई पॉम, मैं पहली दफा ये बातें सुन रहा हूँ। जी जी, तीनों लड़कियां मेरी अपनी स्टूडेंट रही हैं, ठीक है जी जी, मैंने इनको पास करवाया, लेकिन जब भी कोई एक बंदा किसी जगह पे इंचार्ज होता है तो वो हर की कैपेसिटी के मुताबिक उसको गाइड करता है। जी जी, किया गया है, ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, कहना कोई काफी नहीं होता, डॉक्यूमेंटेड है। और थप्पड़ मारना तो खैर नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल, मेरे साथ कोई बदतमीजी भी करे, तभी मैंने लिखा अपने स्टूडेंट पे मुझे थप्पड़ मारने की नौबत नहीं आनी थी। वेरी ट्रू जी, ये कहा है इसको डॉक्यूमेंट करे प्लीज। अब आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछे हैं, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा क्या मुझे इन राइटिंग दे ताकि मैं अगला काम कर सकूं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी बात ये है कि बताया ये गया है कि आपके कोई 95 लाख रुपीज बैंक में थे और उन अकाउंट्स पर कोई इनकम टैक्स के साथ कोई आपका फड्डा भी हुआ था, झगड़ा हो गया था। यार जल्दी से मुझे उस अकाउंट का बताओ, मैं जाके पैसे निकलवाऊं खर्चूं, मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे मेरा ख्याल है निकलवाएं, मैं कुछ आपको भी दे दूंगा, मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूं। अगर है तो खुफिया जो जिसका आपको पता है या आप जिससे आपने पूछा है वो मुझे जल्दी से बता दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया कड़वा सच प्रोग्राम में, एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपसे दोबारा आखिरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने मुझे प्लीज ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देना, क्योंकि मैंने इसको इस पे नहीं बैठना, दिस इज माई राइट। जी बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जी, बहुत नवाजिश थी, एक दफा फिर आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आपने देखा कि हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सईद मौजूद थे। प्रोफेसर डॉक्टर सईद जो है वो दो दफा शेख जैद हॉस्पिटल के चेयरमैन रह चुके हैं और यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर चेयरमैनशिप के लिए बास औकात जो है सियासतदान जो है उन्होंने मुख्तलिफ प्रोफेसर को इस्तेमाल किया। और इसके साथ साथ ये भी बताना चलूँ कि यहाँ पर बहुत बहुत काबिल जो है वो यहाँ पर प्रोफेसर हजरात मौजूद हैं और उन प्रोफेसर्स पे मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात भी लगाए जाते हैं, लेकिन ये इल्जामात एक तरफ, लेकिन ये देखना चाहिए कि ये प्रोफेसर हजरात जो हैं वो मुल्क के लिए कितने फ्रूटफुल हैं। क्या शेख जैद अस्पताल और कॉलेज को इसी तरह सियासत की भेंट चढ़ाया जाता रहेगा? क्या इसी तरीके से यहाँ पर हेरा फेरियाँ होती रहेंगी? यही नहीं बल्कि आपको मैं और भी ये बताना चाहता हूँ कि एक इल्ज़ाम और लगाया गया है, वो ये है कि वहाँ पर एक प्रोफेसर है डॉक्टर सुहेल साहब। मेरा ख्याल है कि मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल साहब को लाइन पे लें ताकि हम उनसे बात करें और इंतज़ामिया को जो उनके बारे में उन्होंने हमें बताया है, इंतजामिया का जो कहना है कि किस तरीके से डॉक्टर सुहेल जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मामलात में कॉलेज के इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात कहना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ, वो बात ये है कि यहाँ पर शेख जैद हॉस्पिटल में ख़ास तौर पर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनको आज तक हुकूमत के आला हुकाम ने नहीं देखा। क्या ये लोग इतने ही ताकतवर हैं कि इनके बारे में हुकूमत जो है वो खामोश हो? यहाँ पर यह भी बताया गया है, यहाँ पर एक जो क्लर्क हैं जो गुलाम मुस्तफ़ा हैं, जिनके बारे में ये बताया गया था कि वो जब यहाँ पर आए थे तो उनका ग्रेड सिर्फ 9 था, लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ कि यकदम ही वो तरक्की पाते पाते ग्रेड 19 में चले गए। और ये मेरा ख्याल है कि पहला वाक्या है जिसमें किसी क्लर्क को ग्रेड 9 से ग्रेड 19 में भेज दिया गया हो। यही नहीं बल्कि वहां पर एक नर्सिंग स्कूल है जहां पर प्रिंसिपल की सीट जो है वो ग्रेड 19 की है। नाज़रीन सिर्फ इन साहब को ओब्लाइज करने के लिए, सिर्फ इन साहब को फायदा पहुंचाने के लिए इनको ग्रेड 9 से ग्रेड 19 में भेज दिया गया। ऐसा क्यों हुआ ये तो हुकूमत को पूछना चाहिए। हमारे साथ नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल साहब। जी प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का। मैं आपसे प्रोफेसर साहब दो चार सवालात करना चाहता हूं और वो इसलिए कि जो आपके हॉस्पिटल की इंतजामिया है उसको आपके बारे में बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं। तो पहली बात तो ये है कि प्रोफेसर साहब आपका बेटा हारिस सुहेल जिसके 745 नंबर थे वो MBBS में कैसे दाखिल हुआ? दुरानी साहब मेरे बेटे का जहाँ तक कॉलेज में एडमिशन का ताल्लुक है तो ये 2009 के पहले बैच में है और बिल्कुल कानून के तहत जो है लिजिटिमेट राइट के तहत और कानूनी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त था। और मुझे ये समझ नहीं आई कि ये आपको इन्फॉर्मेशन किस तरह से गलत किसने फराहम की।
क्योंकि जो उसका नाम है वो कॉलेज की पहली मेरिट लिस्ट में शामिल था, और ये जो लिस्ट है बकायदा कॉलेज इंतजामिया और प्रिंसिपल साहब जो प्रोफेसर जफर इकबाल की अपनी ही साइन करता और अपनी ही बनाई हुई लिस्ट में शामिल है। अच्छा, और ये टोटल लिस्ट कॉलेज के रिकॉर्ड में है, वो आज भी आप वहां से निकलवा के रिकॉर्ड में देख सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आपने किसे। शुक्रिया प्रोफेसर साहब। दूसरी बात यह है कि आपके जो वहां पर चेयरमैन है उनका यह भी कहना है कि आप फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में आपका बेटा टॉप कर गया, और वो मजमून क्योंकि आप पढ़ाते थे इसलिए उसने टॉप किया। साहब ये मेरे बेटे ने न सिर्फ ये कि मेरे सब्जेक्ट में टॉप किया जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं बेसिकली एनाटॉमी का प्रोफेसर हूँ जी जी, और जहाँ तक उसकी पोजीशन का ताल्लुक है अल्लाह ताला के फजलो करम से ही उसने अपनी काबिलियत और अल्लाह की मेहरबानी से हासिल किया। इम्तिहान उसने फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज में दिया फर्स्ट ईयर का, और जो टोटल वहां पे आउटसाइड एनवायरनमेंट था और कॉलेज की इंतजामिया प्रिंसिपल प्रोफेसर जफर इकबाल साहब ने ही उसको वहां पे भेजा था कि मैं सीनियर प्रोफेसर हूँ, मुझे यहाँ पे मुतय्यन किया जाए। प्रोफेसर अनवार खान उस वक्त चेयरमैन थे, ये सारा कुछ उनकी रजा से उसको वहां भेजा गया एक एक्सटर्नल एक आउटसाइड एनवायरनमेंट में, और वहां पे एक हाई लेवल सीनियर प्रोफेसर ने उसको वहां एग्जामिन किया। और ये जो आप फरमा रहे हैं कि एनाटॉमी, उसने तो फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री इस्लामिया पाकिस्तान स्टडी उसने सब में अच्छे नंबर हासिल किए। पहले साल एमबीबीएस में उसकी यूनिवर्सिटी में पहले टोटल ओवरऑल सिक्स पोजीशन थी, दूसरे साल उसकी सिक्स पोजीशन थी, और अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड ईयर के इम्तिहान जो मुख्तलिफ टेस्ट लेते रहा उसमें आपकी पोजीशन उनके प्रोफेसर से जाके आप उसकी तस्दीक कर सकते हैं। मुझे तो इंतहाई दिली तौर पर इस चीज का दुख हुआ कि किसने ये बात आपसे कह डाली। यहाँ तो देखिए और कॉलेजेस के जो बाकायदा तुलबा हैं अगर वो कहीं से पोजीशन लाए तो उनको मेडल, उनको लैपटॉप, उनको पोजीशन, उनको सर्टिफिकेट अवार्ड किए जाते हैं, और यहाँ पे जो अगर बच्चा अगर कहीं पोजीशन ले रहा है तो उसको डिस्करेज किया जाए, डिमोरलाइज किया जाए, ताकि आइंदा जितने भी ये होनहार तुलबा ये पढ़ना ही छोड़ दें। ड्राइन साहब मुझे ये बताइए ये किस किस्म की बात है कि अगर पोजीशन ले तो वो भी उसके ऊपर, वो जाके आप कॉलेज रिकॉर्ड वो जो सीनियर प्रोफेसर जो एग्जामिन कर रहे हैं, मैं तो ना उसका एग्जामिनर ना मेरा उससे ताल्लुक, ये जरूर है कि मैं सारे बच्चों की तरह पढ़ाया वो भी बच्चा शामिल है जी। अच्छा प्रोफेसर साहब एक बात और बताइएगा कि आप गैर मुल्की तुलबा तालबात को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और फातिमा जिना में बतौर एग्जामिनर जो उनके पेपर्स भी लेते हैं। जनाब मैं फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज में गुज़िश्ता 8 साल से मैं वहाँ इम्तिहान ले रहा हूँ, और गैर मुल्की तो जो तुलबा तालिबात हैं वो हमारे कॉलेज में फॉरेन सीट पे आए हुए हैं, जिसमें कोई भी ऐसा फॉरेन नेशनल नहीं है, पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, वो जरूर पढ़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई कि आप किन गैर मुल्की तुलबा की बात कर रहे हैं, ना मेरा किसी से, मेरा तो सिर्फ ताल्लुक है यहाँ कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना और उन्हीं की तालीम और तरबियत में मेरा सुबह से लेकर शाम तक है। ना मैं कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, ना ही मेरी किसी और लोगों की तरफ किसी तरह की कोई तो प्राइवेट ट्यूशन, ना ही कोई एकेडमी है। बिल्कुल ये टोटल टोटल झूठ पे ये बात हो रही है। मैं तो जो टोटल मेरी आप क्रेडिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो आप वो मेरे पास अगर तशरीफ ले आए मैं आपको सारे वो रिकॉर्ड दिखाता हूँ जो प्रिंसिपल फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज ने लिखे, जो वहां के प्रोफेसरों ने मेरे मुतालिक लिखे, बोर्ड ऑफ स्टडीज को लेटर लिखे, वाइस चांसलर को लिखे। तो मुझे ये बताइए कि अगर मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर खुदा न खासा कोई बात करता है तो मुझे वो रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेड चीज दीजिए ताकि मैं अपना इस चीज का डैमेजेस और मैं क्लेम कर सकूं। अच्छा जो इस किस्म की बात की गई जी, आपने प्रोफेसर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैंने शेख जायद हॉस्पिटल और कॉलेज में होने वाली बेकायदगियों और बदउनवानियों के हवाले से जब शेख जायद के प्रिंसिपल और चेयरमैन डॉक्टर प्रोफेसर जफर इकबाल से बात की तो उनका यह भी कहना था कि वहां पर आपके कॉलेज में एक एनाटॉमी हॉल बनाया गया है जिस पर 70 लाख रुपए के करीब लागत आई है, और क्योंकि वो एनाटॉमी हॉल आपने बनवाया तो आपने 7,000 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से उसके चार्जेस किए जबकि वो 1100 रुपए फुट आती थी। साहब आज आपके प्रोग्राम की तवज्जो से पहली दफा मुझे ये पता चल रहा है कि उस कॉलेज के जो एनाटॉमी हॉल है उस पर 70 लाख लागत आई। जी जी इंतहाई गलत बात है कि जो मेरे से ये चीज मतलब मंसूब की जा रही है। एज अ यूजर डिपार्टमेंट मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, तुलबा की बढ़ती हुई जरूरियात के पेश नजर मैंने प्रिंसिपल प्रोफेसर जफर इकबाल साहब को लेटर लिखा कि जी इसकी तादाद बढ़ रही है, हमारी जरूरियात बढ़ रही है। इस वक्त वो हुआ कब बना, कब शुरू हुआ, किस तरह टेंडर हुआ, मेरे फरिश्तों को भी वो इलम नहीं। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, अगर वो रिकॉर्ड कॉलेज के पास मौजूद है आप देखिए, कोई आप इंडिपेंडेंट बोर्ड बना दीजिए वो आके देख ले। मेरा अगर किसी तरह से कोई ताल्लुक साबित हो जाए तो जो सजा आप यहाँ पे, मैं आपके चैनल के तवज्जो से मैं अपील करता हूँ हर अथॉरिटीज को कि इसको आके देखें और इसको टोटल स्क्रूटनाइज करें। अगर मेरा ताल्लुक है तो मैं हर तरह की सजा भुगतने को तैयार हूँ। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच अगेन।
बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आपने देखा कि प्रोफेसर सुहेल साहब से हमारी बात हो रही थी। असल बात तो ये है कि ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत जो है ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि प्रोफेसर हजरात का पेशा इंतहाई मुकद्दस पेशा है। ये तो वो लोग हैं जो उस्ताद हैं, जिन्होंने तालीम देनी है, और जो बच्चे इनसे तालीम हासिल करके जाएंगे उन्होंने जाके मुल्क के मेमार बनना है, इस मुल्क को तरक्की देनी है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये बात जांचना हुकूमत पंजाब का फर्ज है। हुकूमत पंजाब क्यों नहीं इन बातों को देख रही कि अगर वहां पर किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन है और वहां पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और खास तौर पे उन लोगों पे जो प्रोफेसर हजरात हैं, जो कि हमारी करीम है, जिन्होंने तिब के तालबे इल्मों को तरबियत देनी है और तरबियत देने के बाद उनको उस मुकाम पे पहुंचाना है जहां पर वो इंसानियत की खिदमत कर सकें। तो ये तो इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग हैं, लेकिन इनके ऊपर ही बेशुमार मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि ये शेख जैद मेडिकल कॉलेज जो है, ये वाहद मेडिकल कॉलेज है पाकिस्तान का, जिसमें कैबिनेट डिवीजन की खसूसी इजाजत के साथ हर प्रोफेसर को 30 के करीब प्रोफेसर हैं जिन्हें 1 लाख रुपया महाना दिया जा रहा है। वो 1 लाख महाना क्यों दिया जा रहा है, कौन इसका जवाब दे है? क्या वो लोग तनख्वाह नहीं लेते? इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो 1 लाख रुपया महाना प्रोफेसर्स ले रहे हैं उनकी कारकर्दगी क्या है? उनकी कारकर्दगी का भी तो कम से कम एक क्राइटेरिया होना चाहिए, उनकी कारकर्दगी को भी तो जांचना चाहिए। लेकिन ये जो हुकूमतों की लड़ाई है ये अदारों की तबाही का बायस बन चुकी है। क्या कभी किसी ने नैब नहीं है और किसी अदारे ने इस बात की तहकीक की कि कॉलेज में बनने वाले मुख्तलिफ किस्म की रेनोवेशन और मुख्तलिफ किस्म के हॉल जो है उसके बारे में कहां कहां बेकायदगी हुई, कहां जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब जी। शाह साहब क्या हाल है आपके, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए जी। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप शेख जैद हॉस्पिटल में काम करते हैं और इस वक्त आपको चेयरमैन की तरफ से नर्सरी का हेड बना दिया गया, जबकि आपका नर्सरी से कोई ताल्लुक नहीं है और आप पे बेशुमार जो है वो इंतजामिया की जानब से करप्शन के इल्जामात लगाए गए हैं कि उन इल्जामात की वजह से आपको वहां से तब्दील कर दिया गया। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है जी। मुझे हैरत है कि आप, बल्कि मैं खुद परेशान हूँ कि बेसिकली मुझे, मैं एक एडम ऑफिसर के तौर पे काम करता था जी जी, मुझे वहां से सिर्फ इसलिए हटाया गया कि जी मैं वहां पे, मुझे कहा गया कि पीछे एक एजिटेशन हो रही थी कि वहां पे आप बाहर निकले, इन लोगों को, अपने लोगों को बाहर निकालें जी जी। तो मैंने उन लोगों को बाहर, मैंने नहीं निकाला, ना खुद निकला। ये मेरा जुर्म है कि जिसकी वजह से अगर मुझे, आप मेरे पास से रिकॉर्ड ले लें, मुझे जो ट्रांसफर लेटर दिया गया है उस पे कोई रीजन, कोई ये नहीं, मुझे 1, 2, 3 जगह पे यकदम 1 महीने के अंदर गैर कानूनी तौर पे जी जी मुझे ट्रांसफर कर दिया गया, और यहाँ पे मुझे हेड भी नहीं बनाया गया, यहाँ भी मुझे बगैर, यहाँ पोस्ट ही कोई नहीं है जी जी, यहाँ पे मुझे बिठा दिया गया है। मैं खुद हैरान हूँ, और बार बार मैंने चेयरमैन साहब की रिक्वेस्ट की कि मुझे आप अपनी सीट पे बिठा दें, क्योंकि कानून के मुताबिक ये गलत है कि मुझे अपनी सीट पे, कोई ऐसा मैंने ना जिंदगी में, मैंने पूरी जिंदगी में अपनी, जब से मैंने सर्विस शुरू की, मैंने 1 रुपए की कोई करप्शन, कोई गलत काम कुछ नहीं किया। ये सरासर झूठ है, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन शाह साहब आप बिल्कुल बुझा फरमा रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त होगी, लेकिन जब इस हवाले से हमने आपके हॉस्पिटल के जो चेयरमैन है प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल साहब से बात की तो उनका ये कहना था, उन्होंने ये रिकॉर्ड पे बात की है, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर करप्शन के इल्जाम थे, आप एडमिशन में लोगों से पैसे लेते थे और आपकी शिकायत जब उनके पास पहुंची तो उसके बाद आपने उनको वहां से, यानी चेयरमैन साहब ने आपको वहां से तब्दील कर दिया। नहीं 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 नहीं, मेरा तो किसी एडमिशन में वहां पे नर्सिंग में मुझे हटा, मुझे बल्कि वहां पे एक मलक साहब हैं जी जी, तो पिटन जो थे जी, वो सारा डील करते थे, मुझे तो वहां भी कॉर्नर करके बिठाया हुआ था, मैं तो वहां कॉर्नर हुआ था,
मैंने वहां कोई करप्शन नहीं की, ना मेरे ऊपर ना कोई ऐसी मेरे ऊपर कोई इल्जाम है, ना मुझे ऐसा कोई रिटर्न कभी दिया गया कि भाई तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम है कि तुम किसी से करप्शन तुमने की है। बल्कि मैं तो डरता हूं कि मैं, ये बड़े लोग हैं, ये प्रोफेसर जफर साहब से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने मुझ पे ये ऐसी इल्जाम लगाया है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि क्यों लगाया है। जबकि उनके खुद मेरी प्रमोशन के लिए मैं 17 साल से एक ही 17 ग्रेड में एक ही जगह पे बैठा हुआ हूँ, और मैंने प्रमोशन के लिए रिक्वेस्ट की, ये मेरे डायरेक्टर थे उस वक्त, उससे मैंने प्रोफेसर अनवार साहब के तरफ मैंने अपनी प्रमोशन की रिक्वेस्ट भेजी, तो इन्होंने रिकमेंड की है मेरी, ठीक है, बस मौजूद है, इनकी रिकमेंडेशन मौजूद है। अगर मेरे ऊपर कोई ऐसा इल्जाम होते तो ये मेरी ही एप्लीकेशन को रिकमेंड क्यों करते, मेरे पास सबूत है ये इस चीज का। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, मुख्तलिफ प्रोफेसर हजरात से बात की, एडमिन अफसर से बात की, लेकिन शेख जैद हॉस्पिटल का हाल बहुत बुरा है। इस हवाले से चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल ने मजीद जिन बातों के बारे में कहा है, उस हवाले से हम कल फिर जो है प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं ये कहूंगा कि कामयाब इंसान वो है कि जब वो पैदा होता है तो रोता हुआ, लेकिन जब दुनिया से रुखसत हो रहा होता है तो लोग आंसू बहा रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी कब्रों पर फूल चढ़ाए नहीं बल्कि सजाए जाते हैं। और आखिर में एक शेर पढ़ूंगा कि कभी तो उठे यहां पर महशर, कभी तो रोजे हिसाब आए, अजाब खल्के खुदा पे जो है कभी तो इन पर भी कभी अजाब आए। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेजबान फैसल दुरानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका, मेरा और इस पूरे मुल्क का हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।